वेलकम बैक दोस्तों इस एक नई वीडियो के अंदर। अब सुबह से लेके अब तक क्या चेंज हुआ है क्रिप्टो मार्केट के अंदर और अब क्या सिनेरियो निकल के सामने आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कल शाम की अगर बात करें तो काफ़ी प्राइस नीचे डंप हुआ था, उसकी वजह भी बताई थी। लेकिन आज ठीक है भाई, ग्रीनरी है आज मार्केट के अंदर, तो आगे क्या हो सकता है उसका भी बताएंगे और शिबा इनकॉइन की क्या अपडेट्स हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं वो, उसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले बात की जाए मार्केट कैप की, तो यहाँ आप देखोगे सुबह के मुकाबले 3.96% इंक्रीज हो गया है मार्केट कैप, क्योंकि दोस्तों हालविंग के नज़दीक है। लोग वेट कर रहे थे कि प्राइस गिरे भाई, वहाँ पे इसको बाय करें और प्रॉफिट ज़्यादा लें। और कल रात को ऐसा 67 तक की सीरीज मेरे सबसे देखने को मिली थी, तो लोगों ने उसका फ़ायदा रात को कल उठाया है अच्छा खासा। और अब बात करें हालविंग की, तो ट्विटर पे तो दिन अभी भी 8 या 9 बता रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो लाइव चल रहा है 7 डेज ही बेंडिंग बचे हुए हैं और 22 घंटे 7 डेज यूएसए के टाइम से टाइम के अकॉर्डिंग ये टाइम चल रहा है। तो हालविंग बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन एक डर मन में लोगों के ये भी है कि हालविंग से पहले मार्केट एक बड़ा क्रैश कर सकती है, क्योंकि मार्केट ऐसे जोन के अंदर है जहाँ से ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा सकती है। अगर तो 75K पर मार्केट आज होती तब मैं कहता भी 80K हो सकती है सुबह, 90K हो सकती है सुबह, ऐसा बोल सकता था। लेकिन जिस जोन पे मार्केट है, जब तक ऑल टाइम हाई को 73 को ये क्रॉस करती नहीं है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती, ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। मैं अभी भी बुलिश हूँ, मुझे अभी भी ये उम्मीद है कि 80K के ऊपर ही हालविंग होनी चाहिए। और यहाँ पे बिटकॉइन का जो प्राइस अभी चल रहा है $70,126 प्राइस चल रहा है, 4% का बूस्ट बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 80K पे क्यों जा रही है, क्योंकि अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट चल रही है तब ये ऐसा मुमकिन है होना। और बाकी कॉइन्स के अंदर क्या चल रहा है वो भी जान लीजिए। पेपेनो कॉइन 69 की सीरीज, 2 से 3% चढ़ चुका है कल के मुकाबले ये भी, और यहाँ पे ग्रीनरी लोटी हुई है ग्राफ के अंदर। डोज कॉइन लगभग 19 की सीरीज, 7% के आसपास बूस्ट इसने यहाँ दिखा रखा है। और 19 की सीरीज है फ्लोकी इनोकॉइन के अंदर, 4% बूस्ट इसके अंदर देखने को मिल रहा है। शिबा इनोकॉइन 3% ऊपर है, 27 की सीरीज है। तो ये है इनके प्राइस के अंदर जो चेंज हुआ है 24 आवर्स के अंदर। अब चलते हैं ट्विटर पे दोस्तों, वहाँ भी जान लीजिए क्या अपडेट्स हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए चैनल को, लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ऐसी अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे शिबा इनोकॉइन के दोस्तों ट्वीट निकल के सामने है, उनके बारे में बता दें। शिबा विल हिट ए न्यू ऑल टाइम हाई एट सम पॉइंट दिस ईयर, ये एक बड़ी प्रेडिक्शन दोस्तों यहाँ पे निकल के सामने आई है कि शिबा इनो इस साल अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। और जाएगा भी क्यों नहीं भाई, जब बिटकॉइन की बात की जा रही है कि 1.5 लाख जाना है या फिर 1.70 जाना है या 2 लाख जाना है इस साल, ऐसी ऐसी प्रेडिक्शनें निकल के सामने आ रही है। क्योंकि मैं अपने पास से थोड़ी ना बोल रहा हूँ, जो लोग बोल रहे हैं वही आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो भाई शिबा को भी तो ब्रेक करना होगा ना, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं होल्डर, तो प्राइस तो बढ़ना चाहिए ना। तो अगला ट्वीट है दोस्तों, शिबा इनो यहाँ पे रिकॉर्ड रिमार्क, यहाँ पे कहा गया कि शिबा आर्मी इज पावरफुल, तो बहुत पावरफुल शिबा आर्मी है वो, तो पिछले बुल रन में हमने देखा हुआ है 3 से 4 0 किल इसने की थी पिछले बुल रन के अंदर। और काफ़ी एक्सपर्ट्स भाई ये भी बोल देते हैं कि भाई सप्लाई देखो यार कहाँ जाएगा, ये 1 रुपया 1 पैसा एक या फिर एक नया रिकॉर्ड हाई कैसे बना पाएगा। तो आपको बता दिया जाए कि पिछले बुल रन के अंदर भी सप्लाई इसके अंदर इतनी ही थी, कहीं सप्लाई छोड़ के नहीं आया था ये, कहीं साइड में नहीं रख के आया था, सप्लाई तब से भी इतनी थी, तब भी 4 0 किल हुई थी। और मैं अभी भी कहूँगा कि शिबा इनोकॉइन के अंदर पोटेंशियल है कि वो यहाँ पे ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक बड़ा ऑल टाइम हाई बना सकता है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ पे एक और ट्वीट निकल के सामने है, रिच डैड एंड पुअर डैड का कहना है कि 2024 के अंदर ही, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है दोस्तों जो ये नाम ले रहे हैं ना रिच डैड पुअर डैड, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, कोई ऐसे नहीं है मैं उठा और 3 लाख चला गया जी मैं बोल दूंगा। तो इसने क्या बोला है, 3 लाख प्राइस 2024 के अंदर ही जाएगा। समझने वाली बात है, इनके पीछे एक टीम होती है जो ये बात मुँह से निकालते हैं ना, उस टीम का काम होता है पहले एनालाइज करके देखते हैं भी कैसे जा सकता है प्राइज, क्योंकि जाने के चांसेज नहीं है,
इतना प्राइस एकदम से अभी 70K पे प्राइस है और 3 लाख बोलना कोई छोटी बात नहीं है। कारण क्या है? कारण आपके नीचे ये शार्ट में पड़ा हुआ है, ब्लैक रॉक हेड फॉर एक्टिव ETF से ए वोहल वेहल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स आर थिंकिंग अबाउट बिटकॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ सपोर्ट ETF। कारण ये रहा, इनका कहना है ब्लैक रॉक का कि एक बड़े समूह है इनके पास जो बिटकॉइन पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ETF सपोर्ट यहाँ पे निकल के सामने आया है, ऐसा पहले कभी नहीं आया। ETF को सपोर्ट को अप्रूवल नहीं मिला था, इस साल मिल चुका है। और सुबह वाली वीडियो को मैंने आपको बताया था, अभी हांगकांग के अंदर भी अप्रूवल मिल रहा है ETF को, और भी काफ़ी अच्छी अच्छी अपडेट्स दोस्तों निकल के आ रही है। जापान के अंदर भी एक कंपनी थी जो ट्रिलियन की जो पेंशन फंड है उसको इन्वेस्टमेंट करना जा रही थी, उसने फाइल भी किया था। और हो सकता है कि जो बाइंग की बात है उसका हालविंग से कोई ना कोई कनेक्ट हो। क्यों प्राइस बढ़ेगा, इसके रीज़न मैंने आपको इतने बता दिए। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मार्केट क्रैश होगी, उसका रीज़न यहाँ पे एक भी निकल के सामने नहीं आ रहा। रात 67,000 तक मार्केट गई थी तो मैंने तुरंत वीडियो बना के उसी टाइम अपडेट कर दिया था भी मार्केट गई है नीचे, घबराने की जरूरत नहीं। इन्फ्लेशन रेट बढ़ के आया था, इंटरेस्ट रेट, उस वजह से गई है, वो सुबह तक रिकवर हो गई थी। तो ऊपर जाने के रीज़न मैंने आपको डेली गिना देता हूँ कितने हैं, लेकिन नीचे जाने के रीज़न एक भी नहीं निकल के सामने आ रहा। अगर कोई वेल्स बड़ा खेल करेंगे तो वो जब करेंगे तब अपडेट भी आ जाएगी, और घबराने की क्या ज़रूरत है। अगर मान लीजिए 60K तक प्राइस बिटकॉइन का चला भी जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 16K से चला है ये, कहाँ से अपने अपडेट कर रहे हैं। 28,000 भी कुछ दिन प्राइस देखने को मिला था, वहाँ इतना टाइम रुका रहा था कि लोग परेशान हो रहे थे, बोरिंग जोन कह सकते हैं उसको, ये भी एक बोरिंग जोन है। जब तक बिटकॉइन की क्लोजिंग 75 तक नहीं होती या 74 से नहीं होती, 74,000, तब तक डर बना रहे हैं लोगों के मन के अंदर, डर इतना बन रहा है। और मैंने खुद पहली और दूसरी वीडियो में मैं शेयर करता हूं जो मैंने एंट्री बना रखी है बिटकॉइन के अंदर, उसका मैंने फ्यूचर के अंदर एंट्री एक लोट बाय किया हुआ है, तो मैं उसकी आपको दिखाता रहता हूं, भाई ये देख लीजिए आज प्रॉफिट है आज लॉस है, क्योंकि मुझे पता है अगर लॉस हो भी रहा है तो वेट करना है, क्या दिक्कत है, घबराने की क्या जरूरत है, उसके अंदर प्राइस ऊपर तो जाना ही जाना है। तो मैं तो अभी भी पॉजिटिव हूं दोस्तों, जब तक कोई बड़ी न्यूज मेरे हाथ में नहीं आती कि मार्केट क्रैश होने वाली है। बड़ी न्यूज जब तक रीजन निकल के सामने आएगा तब तक जो पॉजिटिव रीजन है वो मैं आपके साथ शेयर ऐसे ही करता रहूंगा, और आई होप आप लोग सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।